सबसे यादगार लम्हा मेरा था जब मुझे इंडिया की कैप मिली थी, डेब्यू कैप मिली थी, क्योंकि हर एक प्लेयर का ड्रीम रहता है जब भी वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है, और जब वो ड्रीम पूरा होता है तो उसको हडल में डेब्यू कैप मिलती है, तो वो एक मेरा यादगार लम्हा था क्यों, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और हमेशा पापा मम्मी का मेरे ऊपर बैकअप रहा है, क्योंकि एज अ बडिंग क्रिकेटर अगर आप नए नए खेलना चालू करते हो और अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट रहता है आप पे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है और आप भी हमेशा अच्छा ही करते हैं उसमें। साइकिल से आता था, करीबन 15 किलोमीटर दूर हमारा ग्राउंड था तुलसी नगर में, वहाँ 15 किलोमीटर साइकिलिंग करके और ग्राउंड में पहुँचता था बिल्कुल टाइम पर, एक बजे, टाइम से भी पहले आवेश ग्राउंड पहुँच जाता था। फिर मैंने अंडर 19 इंडिया खेला, 2 वर्ल्ड कप खेले, रणजी ट्रॉफी खेला एमपी के लिए, और उसके बाद फिर मैं आईपीएल में पिक हुआ एक साल आरसीबी के लिए, और फिर उसके बाद 4 साल में दिल्ली में खेला, और ये मेरा सेकेंड ईयर है लखनऊ के लिए। अमित खुदासा सर ने ही बचपन से ही वही सिखाते आ रहे हैं मुझे, और वो हमेशा मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हें इंडिया खेलने के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ हमेशा, और तुम ही प्लेयर हो वो जो मेरे लिए इंडिया खेलोगे और अच्छे टाइम तक इंडिया खेलोगे। तो उस टाइम मुझे अच्छा फील होता था कि सर मुझे ये सब बोल रहे हैं, तो वो भी काफ़ी एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि मुझे सर के लिए इंडिया खेलना है। उसी की मेहनत है, अपन तो कर सकते क्या, मोटिवेशन बस यही कि अच्छा परफॉर्म करें और अपनी टीम के लिए उपयोगी कंट्रीब्यूशन दें। इंस्पायर तो मैं अपने फादर से ही होता हूँ हमेशा, क्योंकि वो मेरे थिक एंड थिन्स में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ भी बॉलिंग में जैसे ख़राब होता है या रन पड़ते हैं या विकेट्स नहीं मिलते हैं, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं हमेशा।